धमाका रेसिपीज। तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ, काफी लोगों की फरमाइश पे कि हमें बिरयानी का मसाला बनाने की रेसिपी भी दें। तो मैंने सोचा चले आपसे शेयर करती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला, बिरयानी का मसाला। तो उसके लिए जो चीज़ें मुझे दरकार हैं वो ये हैं। सबसे पहले मैं ये साबुत मसाला बताऊंगी आपको कैसे लेना है, कितना लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है साबुत धनिया, लिया है 50 ग्राम जी, और सौंफ ली है 10 ग्राम, और हरी इलायची ली है 5 ग्राम जो ये है, और लौंग ली है मैंने 5 ग्राम वो भी, और जीरा लिया है 20 ग्राम, दालचीनी की स्टिक ली है 6 ग्राम, 4 से 5 अदद हैं, और क्या कहते हैं बड़ी इलायची ली है 3 से 4 ग्राम, और ये हैं कुछ 7-8 हैं इसमें, और क्या कहते हैं तेजपात के पत्ते लिए हैं 3-4-5, और क्या कहते हैं ये जो चीज़ें हैं इन सबको मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी, और फिर हम इसको बारीक पीस लेंगे। और पिसे हुए मसालों में ये ली है मैंने रेड चिली ली है 50 ग्राम, और हल्दी ली है 20 ग्राम, आलू बुखारे लिए हैं जो यहाँ पर हैं ये हैं 25 से 30, और क्या कहते हैं ये हैं 25 से 30 अदद हैं ये इसके ना, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और नमक लिया है 50 ग्राम, और अदरक का पाउडर लिया है मैंने ये क्या कहते हैं 10 ग्राम, और लहसुन पाउडर लिया है मैंने यहाँ है ये लहसुन पाउडर लिया है मैंने क्या कहते हैं 10 ग्राम, नहीं सॉरी ये लहसुन पाउडर 20 ग्राम है, क्योंकि ये हैवी होता है इसलिए ऐसे थोड़ा लग रहा है ये लहसुन पाउडर, और जर्दे का रंग लिया है 1/4 टीस्पून, और क्या कहते हैं ग्राम में होगा 1 ग्राम ये, और देगी लाल मिर्च लिया है मैंने 50 ग्राम, और जायफल जवती का पाउडर लिया है मैंने 10 ग्राम ये है, और 5-5 ग्राम दोनों चीज़ें हैं। तो ये सब ये तो पीसे हुए हैं मसाले, इनको मैं हल्का सा रोस्ट करके और ठंडा करके फिर इन्हें पीसूंगी। तो बहुत ही मज़ेदार ये मसाला बनता है, मैंने बनाया हुआ है पहले भी, मैं आई थिंक एक मैंने उसमें मेंशन किया वीडियो में, तो अब मैंने प्रॉपर आपको मैं उसकी तरकीब दे रही हूँ। तो चले मैं यहाँ पर हल्का सा रोस्ट करती हूँ जो ये साबुत मसाले हैं इनको। यहाँ पर ये पैन गर्म हो रहा है, इसमें मैं ये डाल देती हूँ। सभी जाएंगे बिल्कुल हल्का सा हमने रोस्ट करना है, हल्की सी इसकी बस खुशबू आएगी तो हम हटा लेंगे। ये देखिए नाज़िन ये ठंडा हो चुका है, मैंने इसे प्लेट में फैला दिया था हल्का सा रोस्ट करके, तो अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है ग्राइंडर, तो इसमें मैं डाल के पीस लूँगी। अब चलिए देखें, और डाल दिया मैंने इसमें, आप इसे हम पीस लेते हैं। ये देखिए नाज़िम इसके तैयार हो गया है, कितना बारीक बना है, और बहुत ही ये आला खुशबू आ रही है इनकी मसालों की, सब मसालों की। तो चले मैं इसको निकाल लेती हूँ, एक बॉल में तो हम सब मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर ही, छानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें। ये पीसे हुए सब मसाले इसमें ऐड करूंगी मैं,
तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, मैंने ये वो भी लिया था, क्या कहते हैं, ये लेमन पाउडर तो वो भी है इसमें। आपको जरूरत नहीं है बाहर से ना पैकेट के जो मिलते हैं बने बनाए, पता नहीं उसमें क्या क्या होता है, मैंने तो आज तक नहीं इस्तेमाल किए वो, तो ना ही मैं परफेक्ट करती हूँ कि मैं बने बनाए मसालों से बनाऊं खाना, तो यही वजह है कि मेरे खानों में बहुत ही लज्जत होती है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा ये वाला मसाला, अब बकरीद भी आएगी तो उसपे भी बनेंगी बिरयानी वगैरह, ये हर किस्म की बिरयानी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना हो अपनी मर्जी से तो इसके अलावा कर लें आप। ये हो गया, ये भी हम सारा सब डाल देंगे इसमें, ये लहसुन का पाउडर वगैरह है सब, जायफल जावित्री और रजरते का। अच्छा, इसमें मैं वो केवड़ा वाटर पानी नहीं डालूंगी, ऐड नहीं करूंगी अभी, तो वो आप जब बिरयानी बनाएं तो उस टाइम पे आप उसको ऐड कर लें, क्योंकि उससे मसाले का होता है कहीं खराब हो जाए कुछ हो जाए, इसको आप जितनी मर्जी रख सकते हैं ना, जितनी मर्जी देर तक। ये देखिए नाजी, ये बन के तैयार हो गया है, कितना आला बना है। इसमें मैंने वो डाल दी थी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, आलू बुखारे, ये ना ये सब इसमें मिक्स कर दिए थे, और तेजपात के पत्ते भी। तो ये देखें कितना आला बना है, आपको बाजार से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और मुझे कॉमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा ये मसाला। तो चलें मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, हमारा बिरयानी का मसाला बनके तैयार हो गया है, बहुत ही आला बना है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये मसाला जो है, ये आप हर तरह की बिरयानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप 1 किलो गोश्त की बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें इसको 30 से 40 ग्राम डालें, और चमचे के हिसाब से, बड़ा जो चम्मच होता है खाने वाला, ये टेबल स्पून 3 to 4 टेबल स्पून 1 किलो बिरयानी में डालें, और अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसको डबल, इसकी क्वांटिटी डबल कर लीजिए। तो ये बनके तैयार हुआ है, तो मैं इसको आपको स्टोर करने का तरीका भी बताती हूँ। ये मैंने जार रखा है, इसमें मैं, आप कोई भी एयर टाइट जार ले लें, और उसमें इसमें इसको फिल करके, और ये देखें इस तरीके से है, मैं अभी इसको फिल करके इस तरह ही रखूंगी, इससे बड़ा वाला जार है मेरे पास, तो उसमें ये सब आ जाएगा, तो ये ऐसे मैं इसको रखूंगी स्टोर करके। तो चलिए, आपको उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड वगैरह में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। तो चलें, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।